कोशिश है बेटर बेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि कोशिश की गई। गलत मुद्दा था ये सारे देश में, सब लोग जानते थे इस बात को। हमने अपने मित्र मंडली में खासकर अमित जी से सलाह मशवरा किया कि इस विषय वस्तु पर क्या फिल्म बनाई जाए। उन्होंने भी बताया कि हाँ कुछ किया जाए। धीरे धीरे बातें होती गई, कहानी बनती गई, फिर उसको फिर पेपर में सब कुछ चिन्हित किया गया। जब ये सारी चीज़ें की गई तो कुछ नहीं था हम लोगों के पास, क्योंकि बहुत तकनीकी रूप से भी हम बहुत कम, आर्थिक इकोनॉमिकली तकनीकी सब कमजोर था। मार्क फोर से सब शूट हुआ, एक्टर्स हमारे पास उस बिहार में उस क्षेत्र में नहीं थे। तो और 3.5 दिन में ये सारी चीज़ें शूट हुई। 65 मिनट की फिल्म है, इसको हमने वेब सीरीज में भी पाँच एपिसोड इसको किया है। तो बहुत विपरीत परिस्थितियाँ भी आई हमारे सामने, लेकिन हमने किया। और ये टीम है और सबने सहयोग किया, जो लोग आए थे सबने रात दिन एक करके से शूट किया गया। और पुश प्रोडक्शन में भी काफ़ी लोगों ने मदद किया, सब कुछ तैयार हो गई। तो अब क्या बताएं, एक घटना तो घट गई, बाकी ऑडियंस जो है वो लोग बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैसेज इसमें हमने ये किया कि जो दरिंदगी चल रही है, तो एक आम आदमी भी सोचता रह जाता है, कमज़ोर होता है, वो आवाज़ नहीं उठा पाता है। इसमें हमने दिखाया कि एक लड़का जिसकी ज़िंदगी पेंटिंग है, एग्जीबिशन में उसकी एग्जीबिशन होने वाली, वहाँ अपनी प्रदर्शनी में वो अपनी पेंटिंग को ले जाना चाहता है सारी चीज़ें, लेकिन एक वाक्य उसके सामने घट जाता है और फिर धीरे 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 वो मकसद वो पेंटिंग्स ना होकर उस लड़की और उस दलदल में फंसे लोगों को उठाना चाहता है, कैसे निकाल, अब उसका मकसद हो जाता है। और इस चक्कर में उसके परिवार ख़त्म हो जाते हैं, उसकी बहन के साथ गलत हो जाता है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो हर युवक को आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है, आसपास अगर गलत हो रहा है, तो एक आम आदमी भी, इंसान भी अगर साहस बटोर कर उस गलत को, उस प्रॉब्लम को हटा सकता है और उस समस्या को जड़ से निकाल सकता है। ऐसा हमने किया कि एक लड़का है उस चीज़ में हुआ, जबकि ब्रजेश ठाकुर के साथ ऐसी बात नहीं हुई है, कुछ अलग हुआ है कि सीधे धीरे धीरे पत्रकार आए थे। बहुत सारी बातें सत्य हुई थी कि पत्रकार भी अच्छे आए थे, लड़कियों ने जवान खोला, उसे दफना दिया गया, तो ये सारी चीज़ें हुई थी जी। लेकिन बहुत बड़ा हिम्मत बटोर कर कोई इस पर साहस अड़चने आई, जो मैंने बताया, जो भी उस क्षेत्र से जो भी कलाकार मुझे लगे कि ये लड़का कर सकता है, और उसको हमने सेलेक्ट किया, वो भी पूरी तरह समर्पित किया मुझे कि मैं करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें, कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली गई है, खेत में काम करने वाले इसमें लड़के आए थे और उन्होंने कोई ABCD जो होती है एक्टिंग की, वो सब कुछ नहीं किया गया था। और 3.5 दिन में इसे शूट किया गया था, बहुत सारे चैलेंज थे हमारे सामने, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बाकी ये बताएंगे। तब मैं इसमें कुंभ का किरदार निभाया था जी, ठीक है, जो एक पेंटर था इस फिल्म में। और बाद में की चीज़ें तो सर ने बता ही दिया। सर ने जब ये स्टोरी पे, स्क्रिप्ट पे बात चल रही थी हम दोनों की, और ये घटना जो है हमारे ही शहर की है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ बिहार में। तो वहाँ पे ये घटना घटित हुई थी 6 महीना तकरीबन पहले, साल भर पहले। तो उसी संदर्भ में ये बात कर रहे थे, तो मैंने बोला क्यों ना इस पर कुछ किया जाए, शॉर्ट फिल्म या फिर वेब सीरीज। तो हमारे पास उतना बजट भी नहीं था और इस फिल्म का निर्माण भी मैंने ही किया सर नहीं जी। तो बड़ा ही साहस बटोर करके और एक अच्छे से इस तरीके से भुना इस कैरेक्टर को, कैसे कैसे क्या किया जाए। और मेरे समाज के लोग भी, जैसे कि गजेंद्र पासवान जी थे वहाँ पे जो चेयरमैन थे पहले, और वहाँ के मुखिया थे सशि ठाकुर जी, उन लोगों ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया। बातें हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे बवाल हो जाए, कि वो कंट्रोवर्सी कुछ ना हो जाए, मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा जी। क्योंकि हम जो गलत वहाँ पे जो किया गया NGO में जो चीज़ें हुई जी, बालिका गृह आश्रम में जो चीज़ें हुई, ठीक है सर, और होने के बाद भी क्या है, उम्र कैद की सजा मिल जाती है जी, बिल्कुल उठाएंगे ही लोग। और ऐसा नहीं जो अच्छे, क्योंकि दुनिया में सर अच्छे भी हैं बुरे लोग भी हैं, है कि नहीं।
और मैं हमेशा चाहता हूँ कि देश के हित के लिए कार्य करूँ जी, ठीक है। अगर मेरे पास पैसा भी है, मैं कलाकार हूँ और मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, तो क्यों ना कुछ देश हित के लिए कुछ कार्य किया जाए जो समाज को प्रेरित करे कि हाँ ये चीजें सही है, इस पे स्टेप लेनी चाहिए जी। सबसे पहले तो सब्जेक्ट की तारीफ करना चाहूँगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था और कुछ एक परफॉर्मेंसेस भी अच्छी लगी मेरे को, जैसे नेताजी का जिन्होंने किया अच्छा था। बाकी जैसा इन्होंने बताया कि बजट की कमी थी, टाइम की भी कमी थी और कुछ आर्टिस्ट वो दिखा, लेकिन ओवरऑल बढ़िया लगा, अच्छा। ये एक बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट पे उन्होंने काम किया। इस फिल्म को देखने से पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि एनजीओज में इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। हॉस्पिटल अमित मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था इसके लिए और अच्छा लगा देखकर, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी लगी। म्यूज़िक की तारीफ करना चाहूँगा, राहुल जी अगर यहाँ पे हैं तो बहुत ही मेलोडियस गाने बनाए हैं उन्होंने, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। मतलब जब उठ के आए फिल्म के बाद तो गाना गुनगुना रहे थे हम, ऐसा था। बधाई सबको देना चाहता हूँ, अच्छी बोल्ड फिल्म बनी है और एक साहसिक काम किया है पूरी टीम। जी बहुत अच्छा लगा कि इसने अपने दम पे ही कुछ किया, पैसे लगाया। अब एक इंसान, एक एक्टर अगर एक प्रोड्यूसर बनना बहुत बड़ी बात होती इसके लिए, एक्टर का प्रोड्यूसर बनना, क्योंकि फिर हर एक चीज़ मैनेज करना होता है एक प्रोड्यूसर को, पैसे लगाने होते हैं, दौड़ने पड़ते हैं, एडिटिंग करने पड़ते हैं, कई सारी मेहनत होती है। अभी इस मूवी को लेके बोलना चाहता हूँ, बालिका गृह, जैसे कि एक लड़की होती है, एक घर की बेटी होती है। अब इन्होंने ये दर्शाया इसमें कि एक बेटी के साथ एक किस तरह से कैसे कैसे अत्याचार होते और हो रहे हैं, और लास्ट में यही दर्शाया है कि किसी भी बेटी या बहू या बहन के साथ ऐसा ना हो, जिसके ऊपर ये मूवी बनी है। और बहुत ही अच्छी मूवी है, कलाकार भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया अमित जी ने और सभी एक्टर ने, और हमारे विकास जी जो अच्छे, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और बहुत अच्छे राइटर भी हैं। 3.5 दिनों में अनप्रोफेशनल लोगों के साथ इतना बेहतर काम करना अपने आप में काबिल तारीफ है। नो डाउट विकास के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, वो दिख रहा था कि मतलब जब से, मतलब मेरे तो टच में काफ़ी दिनों से हैं विकास, और जिस एकाग्रता के साथ उसने काम किया है, श्रद्धा के साथ, नो डाउट वो इस फिल्म को देख करके हमें उसका मतलब वो दिखा हुआ इस फिल्म में। तो पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही ये लोग समाज हित में और भी कार्य करते रहे। एक्चुअली बालिका गृह मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि जैसा कि अभी मैंने सुना कि 3.5 दिनों में बना हुआ है ये फिल्म, और एक्टर्स तो बहुत सारे नए ही थे, बिहार के थे, जो लगभग खेतों में काम कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा काम किया है सब लोगों ने। अगर गलतियां निकाली जाए तो गलतियां तो बहुत सारी निकल सकती हैं, लेकिन एक देखा जाए कि कितना क्या कर सकते हैं, है कि नहीं, कि लोगों ने कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत के साथ वो लकी ख्वाहिशें पूरी की ये फिल्म बनाने की। इसका बजट भी बहुत ही कम था, इसलिए टेक्निकल पक्ष पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हर तरीके से फिल्म बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात यह है कि इसके गाने मुझे बहुत अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे गाने थे, और लास्ट का सीन मुझे एक छू गया, जब वो बंदा आता है ना, वो एक रोमांटिक अंदाज में फिल्म को एंड किया, कहता है ना कि मैं मेरी शादी होने के लिए सोच रहे हैं कि शादी कर लूँ, कौन सी लड़की मिले जिसे खाना बनाना आता हो, तो जो जो लड़की बोलती है ना कि गोली मार दूंगी, लाइक बहुत ही प्यारा लगा कि एक हैप्पी एंडिंग इन लोगों ने दिखाया, जो बहुत ही अच्छा लगा, हालांकि ऐसा होना भी चाहिए। The acting is very nice acting. Amit Sharma sir has acted very well sir. There is no, he has no NSD and BA degree, because without this he has acted very well. And the actress is also very good acting. And the story, film is dependent on a truth story. So this filmmaking is also good. And most important, there is a background music. So I am giving heartfelt congratulations to background music composer. फिल्म को बनाने के लिए जो प्रयास किया है, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट उठाया है और ये सामाजिक मुद्दा उठाया है, और इस तरह की फिल्में आनी चाहिए जिससे समाज में जागरूकता पैदा हो। और आप सब लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो उसमें हमें कंट्रीब्यूशन देना है, और इसी कंट्रीब्यूशन को लेकर के विकास भाई ने जो फिल्म बनाई है,
बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट उठाया है और जो इनका डायरेक्शन है और बाकी जो कलाकारों ने जो काम किया है बेहतरीन काम किया है और शुरुआती दौर में इतना अच्छा काम किया है तो ये काबिल तारीफ है और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी के चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको प्रणाम करना चाहूँगा और सर के बारे में जितनी तारीफ करूँ जो भी कुछ कहूँ शायद वो कम होगा क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाह ले कि मुझे इनसे क्या चाहिए वो करवा लेते हैं। क्योंकि मैं भागलपुर से हूँ और भागलपुर से ही मेरी पहचान हुई सर से। सर आए थे एक फिल्म की डायरेक्शन में और मैं वहाँ एज ए कलाकार आया था तो पता नहीं सर के अंदर क्या एक भावनाएं आई मेरे प्रति और सर ने कहा कि आप मुंबई आए। इतना जिद किया कि मैं मुझे आना पड़ा और जब आया तो वाकई जितना सोच के आया था उससे कहीं बेहतर हो रहा है। कुछ भी ऐसे ही कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा कुछ मत कहिए क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ सुनना पसंद नहीं है और हाँ सुनाना भी पसंद नहीं क्योंकि बोलने का ना पैसा लेता हूँ। मैं विपिन हूँ और एक पोएट भी करता हूँ और फिर शायरी करता हूँ, गज़ल करता हूँ और दुर्भाग्य से एक्टिंग भी करता हूँ। कुछ लाइन्स है तो मैं और मेरी एक बहुत चर्चित कविताएं हैं जो अभी पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में हर जगह बोली जा रही हैं तो वो है बिहार सरकार पे बैंग है। पता होने चाहिए आपको कि वहाँ बंद है। क्या बंद है आप लोग समझ गए होंगे। तो उस पे है कि पीकर फूल था नशे में टूल था, पीकर फूल था नशे में टूल था, लग गया था थानेदार साहब के हाथों। अरे वो तो लेन देन का मामला है साहब, जिसकी वजह से थाने से भी घूम कर आया हूँ। बिहार में बंद है फिर भी पी कर आया हूँ। जो ये फिल्म देखा मैंने, जब से बैठ के देखा कम से कम 5-6 कितने मिनट गए थे सर, ये पूरा पिक्चर मैंने देखा, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही पावरफुल। मैंने देखा कि इतना अच्छा राइटिंग और इतना अच्छा स्क्रीन प्ले कोई कर सकता है तो वो है हमारे विकास जी। आम और ख़ास बात ये है कि जो बालिका गृह टाइटल है जो हमने रजिस्टर्ड कराया लेकिन वहाँ पर हमें बालिका गृह प्रॉपर नहीं मिल पाया। बालिका किसी ने रख लिया था इसलिए गृह नहीं मिल पाया, ठीक है। फिर हमने बालिका गृह आश्रय किया तो आश्रय किसी ने रख लिया था तो उसके आगे पीछे शब्द छोटे अक्षरों में चिपकाए जाएंगे अगले पोस्टर में, जिसमें कथा बालिका गृह आश्रय की ऐसा किया गया है। तो ये पूरी फिल्म का ये नाम होगा कथा बालिका गृह आश्रय की, ठीक है। और इसके वेब सीरीज 5 एपिसोड हैं 13-13 मिनट के और एक टेलीफिल्म है जिसे हम फेस्टिवल में हम दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं और बाकी सब इसमें जी जान लगाकर प्रियांशु सर और पिंकी झा जी ने अपना पूरा समर्पण अपना 100% सौंप दिया है। इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और वीरू ठाकुर सर भोजपुरी के जाने माने स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर हैं। आज उनकी कृपा है, उनकी छत्र छाया में हमने उनके साथ काफ़ी असिस्ट किया है लिखने में और उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, ठीक है। वो शायद उनका बिजी शेड्यूल है, वो नहीं आ पाए रह पाए तो उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। अमित शर्मा फिल्म प्रेजेंटर भाई जी, तो हमें तो अपार खुशी मिलती है और राइटिंग भाई आपका है तो आप जैसे लिखते हैं लगता है कि ये रियल का चल रहा है। ये विकास जी लिखते हैं तो जैसे लगता है कि रियल का चल रहा है और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो भी कम ही है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि ये विषय बताइए जी जी जी। और मैं भी एक एज ए आर्टिस्ट हूँ और मूवी में काम भी करता हूँ। अभी मेरी एक पिक्चर दिल्ली आई जान में देंगे आई है और जिसमें मैंने अभिनय किया है एज ए विलेन का और उसके बाद मेरी एक और पिक्चर आ रही है लालिस। और आप सभी दर्शकों का बस इतना ही सहयोग चाहिए कि हम लोगों को आगे और बढ़ाएं और पसंद करें, लाइक करें। जी जी